हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। सो चटोरी रजनी पहुंची आज चार सौ प्रकाश कनॉट प्लेस में नाश्ता करने के लिए। सो ये एक मल्टी क्यूजाइन रेस्टोरेंट है। चलिए दिखाती हूँ आपको कि कैसा होता है हमारा आज का एक्सपीरियंस। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है हमारा आज का एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छी सीटिंग एरिया है, बहुत ही स्पेस है यहाँ पे। ये देखिए, सो बहुत ही काम सूटिंग और बहुत ही सुंदर इंटीरियर्स है। बढ़िया बढ़िया पेंटिंग कर रखी है इन्होंने। सो चलिए देखते हैं इनका मेन्यू। सो ये देखिए इनका इंटरेस्टिंग सा मेन्यू। साउथ इंडियन तो है ही, देखिए कितना अमेजिंग है। डोसा, सिग्नेचर डोसा, नीर डोसा, रवा डोसा, थाली भी है यहाँ पे, स्टार्टर्स, राइस, राइस बोल, सूप, इडली वगैरह। एंड इसके अलावा ये देखिए नॉर्थ इंडियन भी ये पूरा सर्व करते हैं, चाइनीज़ भी है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें हैं। एंड ये देखिए इनके काफ़ी सारे आउटलेट्स भी कनॉट प्लेस में है, नोएडा में है, नोएडा में एक और अशोक विहार, दोबारा नोएडा। लगता है नोएडा वालों को काफ़ी पसंद है। एंड ये तो आउट ऑफ दिल्ली है, राइट। ऑर्डर दे दिया है मैंने और लकीली इस टाइम पे आई थिंक अराउंड 11 बज रहे हैं, उन्होंने कहा कि थाली मिल जाएगी जो मुझे खाना था। पता है ना, मैं तो मुक्कड़ हूँ, थाली तो मुझे बेहद पसंद है। तो सबसे पहले आ गया है हमारा ये डास प्रकाश स्पेशल डोसा, जो मसाला डोसा है जिसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स है। ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया है अपने लिए। लुक्स यम्मी, क्रंची। सो चटनियाँ देखिए तीन तरह की सर्व की हैं, ऑनियन टोमेटो, कोकोनट और ये पीनट एंड गार्लिक चटनी है, विच इज़ लुकिंग रियली नाइस एंड आई एम एक्साइटेड इसे ट्राई करने के लिए। और ये जो डोसा है ना, डास प्रकाश स्पेशल, इसके अंदर जो फिलिंग है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर तो ड्राई फ्रूट्स है ही, पर ये देखिए अंदर जो फिलिंग है वो है पनीर की। अलग से आलू का मसाला भी दिया है, काफ़ी क्रिस्पी है, अच्छा है। लेट्स ट्राई। मैंने अभी तो प्लेन डोसा ही टेस्ट किया, सांभर इज रियली नाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड तो ये वाली चटनी ट्राई करें। द चटनी इज रियली गुड। सो ये देखिए इस तरीके से गर्मा गर्म सांभर ला के आपको सर्व की जाती है जब आप दोबारा मांगते हैं। एंड आई रियली लव द सांभर। ये वाली चटनी हमने वाइट चटनी तो टच ही नहीं की क्योंकि बाकी चटनियाँ भी इतनी अच्छी है। तो जो मैंने थाली अपनी ऑर्डर की थी वो आ गई है एंड आई एम सो एक्साइटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे है अचार, लेमन राइस, दाल, ये है प्लेन राइस, यहाँ पे है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, रसम, सांभर, कुरमा, अव्यल, दही, रवा केसरी मीठे में, दो पूरी और एक उत्तपम। और ये थाली कॉस्ट करती है इजीली अराउंड 360 रुपीज़। इसमें भी दो तीन तरह की थाली है, ये तो जैसे हाईएस्ट थाली है, दूसरी वाली में उत्तपम नहीं आएगा। इसमें अभी मेरे ख्याल से आइसक्रीम भी इंक्लूडेड है ना, आइसक्रीम भी है, कॉफ़ी भी है या छाछ, गुलाब जामुन भी है। सो ये सब अभी धीरे धीरे आएंगे और हम इंजॉय करेंगे हमारी ये मस्त लुकने वाली थाली। उत्तपम देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, सब तरह की रंग बिरंगी सब्जियां हैं, अच्छे से सिका हुआ है इसी चटनी के साथ, मस्त है। कांट वेट टू ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स। उत्तपम तो बेहद ही मज़ेदार था, क्रंची था, खूब सारी सब्जियां थी। अब मैं खा रही हूँ यहाँ पे लेमन राइस। नींबू का फ्लेवर है, खूब सारा इसमें पीनट्स है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, बहुत ज़्यादा फीका नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट फ्लेवर है इसका। आई मिस चेन्नई, नाउ आई विल नॉट से दैट, क्योंकि अपने दिल्ली के सीपी में ही अगर इतना अच्छा खाना मिलेगा तो सो अब आ गया है हमारा एक और छोटा सा प्लेटर। आपको उसका कितना प्राइस है आपको दिस, ये 299 का प्लेटर है जिसमें दो वड़ा, एक इडली
उपमा है, केसरी है, सांबर है और एक क्रिस्पी सा मसाला डोसा है। अंदर अच्छे से आलू की फिलिंग है इसके अंदर। सो देखते हैं कैसा है ये। क्रिस्पी तो है, अंदर से भी काफ़ी सॉफ्ट है। वाओ, कैन यू हियर द क्रंच, कितना क्रिस्पी डोसा है। तो हमारे थाली के साथ रह गई थी ये छाछ। देखिए कितनी लंबी ग्लास इन्होंने छाछ की दी है, मस्त मसालेदार। अगर आप देख सकते हैं, भुना हुआ जीरा भी है, धनिया भी है, फ्लेवरफुल लग रहा है, यम्मी है। ऐसा हल्का सा हींग का फ्लेवर भी है, इन ठंडी भी है। मज़ा आ गया। तो जो हमने प्लेटर लिया था 299 का, दो मेदू वड़ा, इडली, उपमा, केसरी, मसाला डोसा का, उसके साथ आती है एक फिल्टर कॉफ़ी भी, क्योंकि इसमें चीनी नहीं होती है। एक दो क्यूब्स फिल्टर कॉफ़ी का तो मज़ा ऐसे ही आता है। गर्म है बट मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे करने। डर भी लगता है कि गरम गरम हाथ पे ना गिर जाए। और ये देखिए इतना सारा खाया हमने और सिर्फ 991 रुपीज़ का हमारा बिल आया है। साउथ इंडियन प्लेटर, साउथ इंडियन थाली और डोसा खाया था इनका स्पेशल, दास प्रकाश ड्राई फ्रूट का डोसा, मज़ा आ गया। सो चटोरी रजनी रेट्स 4.5 आउट ऑफ 5. 0.5 इसलिए मैंने काट दी क्योंकि रसम मुझे ओके लगी, लेकिन ट्रस्ट नहीं, पूरी थाली बेहद शानदार थी। सब्जी से लेके अवियल तक, कुरमा, सांभर, एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। और जो चटनीज आई थी वो भी बेहद प्यारी थी। सो चलिए, ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस दास प्रकाश, दी दास प्रकाश सीपी में। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो बढ़िया सा साउथ इंडियन, तो ज़रूर है। और हाँ, इनके पास ऊपर काफ़ी अच्छी जगह है बैंक्वेट एंड बहुत अच्छे रेट्स में आप किटीज़ कर सकते हैं, पार्टीज़ कर सकते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उनका वो मेन्यू भी देखा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चटोरी रजनी। बाय बाय।